ते अल्फाज सुभान अल्लाह बादशाह सी ना उन्हें अपने मुस्तकबिल दे अहवाल नो जानन वास्ते ना एक नजूमी बुलाया कहन लगा जरा हिसाब लगा मेरा आन वाला वक्त कैसा है मेरे हवाले नाल दस। उन्हें अपना हिसाब किताब जो लगाया ना ते कहन लगा बादशाह तेरे रिश्तेदार जिन्ने भी ने ना सारे तेरे सामने मर जाने ना तेरे सामने मरणगे। बादशाह बड़ा गुस्सा आया कि मेरे रिश्तेदार मेरे सामने मारन दिया चंगा ने हिसाब लाया। उन्हें फौज नू कहा इनू जिंदान के अंदर डालो इनू कैद करो होर सदो नजूमी इन्हें तो मेरे रिश्तेदार मेरे सामने मार दिते अजब बात है। एक होर आया उन्हें सारी गल का पहले पता लग गया उन्हें हिसाब लाया उन्हें है बादशाह सलामत मैं हिसाब लाया थोड़ी उम्र रिश्तेदार की उम्र नालों ज्यादा होगी थोड़ी उम्र बड़ी लंबी होगी रिश्तेदार जिन्हें भी ने उन्हें उम्र कम होगी थोड़ी उम्र ज्यादा होगी। बादशाह बड़ा राजी हो गया क्या बात है बड़ा खुश हो कहन लगा तू मैं खुश कर दिता मंग की मंगना है जो मंगेगा तेन देवे। उन्हें आख्या बादशाह मैं मंगता कुछ नहीं जिन्हें पहले हिसाब लगाया सी ना तेरा वह मेरा उस्ताद सी ते मैंने पता लगा तू उन्हें कैद कर लिया तो उन्होंने रिहा कर दे उन्होंने रिहा कर दे। उन्हें अजब बात है उन्हों को रिहा कर दे उन्हें तो गल ही बड़ी अजीब की है। उन्हें आख्या बादशाह सलामत मेरे उस्तादा को ना लफ्जा के चुनाव के अंदर फर्क आ गया जी गल मैं की मफहूम उनका भी यही बनता है भी लंबी उम्र तुम पाओगे रिश्तेदार थोड़ी उम्र पागे जहर बात नतीजा भी तेरे सामने मर जाएंगे तू एंडते जावेगा। मैं जरा को अल्फाज के चुनाव के अंदर जरा बड़ा मोहतात रहा वा नतीजा एक ही है तुम अंदाजा लगा लवो नतीजा है कि लफज बदल गए ने तो फर्क आया कि ना आया। लफज जड़े ना अपने अंदर एक तासीर रखते ने फुलां तरह नरम भी होंगे ने ते पत्थर तरह सख्त भी होंगे ने तीर तरह नोक भी रखते ने और जनाब ये गोली तरह अंदर पाश पाश भी कर देंगे ने ते जनाब ये लफज मरहम वर्गे भी होंगे ने जो लगते ने ते फट सिल भी जाते ने जुड़ भी जाते ने जे ये तीखे लग जाए ते फिर जनाब ये बहुत जुदाइयां पा देंदे ने अज औलादा नूं दसन दी जरूरत है कौन तरबियत करे मां बाप ने करनी है ना पहली गोद ते मां दी है ना तरबियत वाली ते मां दा हक बनता है तरबियत करे लाजवाब तरबियत करे। अल्लाह हू अकबर।